हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही कामकाजी चैनल में। दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स मिले मुझे स्विगी और जोमेटो वाले वीडियोस पे कि आपको घर से ही स्विगी जोमेटो का काम स्टार्ट करना था। साथ ही साथ आपको ये भी पता करना था कि इस पर रजिस्टर्ड कैसे करना है अपने अकाउंट को, और अगर हम होम बेस्ड किचन से एक रेस्टोरेंट ओपन करके ऑनलाइन फूड डिलीवरी का काम स्टार्ट कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो मैं एक ऐसे ही रियल किचन में हूँ जहाँ पर आप जानेंगे कि इस काम को कैसे शुरू करना है और कैसे रजिस्टर करना है, किस तरह से ऑर्डर्स आते हैं। तो इस वीडियो को मैं आपको बताऊंगा वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आप जान पाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको क्वेश्चन भी पूछने हैं इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ चंचल जी से, जो इस काम को करती हैं, साथ ही साथ वो ऑनलाइन फूड डिलीवरी में कितने टाइम से है। अब हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने ये सब कैसे चूज करा, किस तरह से उन्होंने स्टार्ट करा। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू। आपने ये काम कैसे शुरू करा? पहले मैं फ्री बैठी थी, इसीलिए मैंने सोचा चलो घर से ही कुछ ना कुछ शुरू करने की सोचा। इसमें अपने घर से ही कोई काम भी हो जाएगा और अपनी एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी। अच्छा, तो इसका आप ऑनलाइन जब जाते हैं जोमेटो पर या स्विगी पर, इन सब रेस्टोरेंट्स की एप्लीकेशन पे, तो किस नाम से आपका रेस्टोरेंट आता है? हमारा रेस्टोरेंट टेस्ट फॉर हंगर के नाम से आता है। ओके, तो यहाँ पर आपने कौन से प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं? कि नॉर्थ इंडियन सेल कर रहे हैं, चाइनीज कर रहे हैं, फास्ट फूड सेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? पहले हमने सोचा कि हम कौन सा बना सकती हूँ मैं इजीली जो मेरे से बन जाए ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो मुझे बनाने में। अच्छा, फिर हमने सारे देख करके उसके बाद में नॉर्थ इंडियन सेलेक्ट करा। तो आपको ये जो आइडिया आया आपके साथ में, आप खुद संभालती हैं अकेले किचन को? नहीं, मेरे साथ में मेरे हस्बैंड भी हैं, वो भी हेल्प कर देते हैं, और एक आंटी है हमारी, वो भी मेरी हेल्प करती है। हम तीनों। अच्छा, तीन मतलब इसको अगर कोई काम स्टार्ट करता है तो अकेले फीमेल कर सकती है, उसको हेल्प की जरूरत रहेगी? एक की हेल्प तो होगी क्योंकि पैकिंग की भी करनी पड़ती है, आपको गार्निश भी करना पड़ता है, बनाना भी पड़ता है, तो एक साथ कई ऑर्डर्स आ जाते हैं, इसलिए फिर आपको अकेले तो थोड़ा पॉसिबल नहीं है, बट कोई हेल्प करे तो हो सकता है। तो आपको डेली के कितने ऑर्डर्स मिल जाते हैं अलग अलग एप्लीकेशन से? अलग अलग एप्लीकेशन से मिनिमम मेरे पास 20 से 25 ऑर्डर हो जाते हैं डेली के। ओके, 20 से 25 ऑर्डर्स डेली के हो जाते हैं। तो ये काम शुरू करने के बाद में आप आया कि हाँ मैं घर से एक काम अच्छा सा कर रही हूँ? हाँ, इससे कॉन्फिडेंस आता है कि चलो अपन भी घर बैठे कुछ तो कर ही सकते हैं। तो दोस्तों, आप देखते हैं कि स्विगी जोमेटो तब आपको प्रोडक्ट पैक कैसे होके जाता है, किस किस कंटेनर की आपको जरूरत होती है, तो आप बताएंगे ये किस तरह के कंटेनर्स हैं जिनमें प्रोडक्ट पैक होता है? ये प्लास्टिक के कंटेनर आपको मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। इसमें अपन सब्जी वगैरह पैक करके इसको अच्छे से इसे इनकी कंपनी की ही टेप हमें मिलती है, जोमेटो की, स्विगी की, सबकी, वो कंपनी ही हमें प्रोवाइड करवाएगी। उसके बाद हम इसे सब्जी डाल करके इसमें से पैक कर देंगे, और अपने लिक्विड के लिए इस तरह के बॉक्सेस मिल जाते हैं। इसको अपन यहाँ से ये खुला हुआ था, इसको पैक करके और इसमें भी टेप लगा करके, अब इसमें नेट में और पॉलीथीन में, वो भी सब मार्केट में सब कुछ मिल जाता है, स्ट्रॉ वगैरह लगा करके इसमें आप इसको पैक कर सकते हैं। प्रोडक्ट हमें स्टार्टिंग में खुद ही खरीदने पड़ेंगे? हाँ, ये सारे आपको इसके लिए जो भी कटलरी चाहिए होगी, इसके लिए स्पून्स वगैरह भी होंगे, टिश्यू पेपर वगैरह, ये आपको मार्केट में से खरीदने पड़ेंगे। तो देखा आपने किस तरह से आपको बस इतना सा प्रोडक्ट बाजार से परचेस करना है, इसके बाद में अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर होना है और थोड़ा सा वेट करना है, तब जाकर आप अपने किचन से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं ये रेस्टोरेंट कैसे ओपन हुआ, कैसे रजिस्टर हुआ, तो इस प्रोसेस को समझते हैं राजेंद्र जी से। मिसेज मेरी काफ़ी टाइम से बोल रही थी कि मुझे कुछ करना है, घर में फ्री रहती हूँ जी, तो मैंने सोचा क्यों ना घर से ही कुछ ऐसा काम शुरू किया जाए, जो तो फिर हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना ऑनलाइन किचन डाल ली जाए, जो कि आजकल स्विगी और जोमेटो वगैरह काफ़ी करवा रहे हैं। तो ये आपने रजिस्टर कैसे करा इस अकाउंट को? इसके लिए सबसे पहले तो मैंने FSSAI का लाइसेंस बनवाया। Okay. एक प्यारा सा नाम अपनी किचन के लिए चूज़ किया। उसके बाद में जोमेटो की और स्विगी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट साइन किए। उसके बाद में जोमेटो से मेरे पास में एक बंदे आए, उन्होंने यहाँ पे मेरी किचन का पूरा सर्वे किया, उनका रजिस्ट्रेशन किया जी। उसके बाद में ऑनलाइन प्रोसेस चला जो कि 15 दिन चला। उसके बाद में मेरा ये किचन ऑनलाइन शुरू हो गया। ओके, मैं आपको बताऊंगा स्विगी जोमेटो पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, किस तरह से आप भी अपने घर से इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने अपना रेस्टोरेंट ओपन करा स्विगी एंड जोमेटो पर, तो आप किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, ये जोमेटो पार्टनर
पोर्टल खुला हुआ है, यहाँ पर आना है आपको और कुछ डिटेल्स फिलअप करनी है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। दूसरी ओर देखिए, स्विगी पर भी आपको सेम फील्ड्स मिल रही हैं। वहाँ पर आपको अपने रेस्टोरेंट का नाम सबमिट करना है, साथ ही साथ आपको अपनी फर्म रजिस्टर करके यहाँ पर सबमिट करनी है। आपने जो अपना फूड लाइसेंस रजिस्टर करवाया है वो यहाँ पर रजिस्टर करना है। आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स सबमिट करनी है। इसके बाद में आपको कंपनी से आपके किचन का सर्वे करने के लिए आपके पास में एम्प्लॉई आएंगे और 10 से 15 दिन के बीच में आपका रेस्टोरेंट ओपन हो जाएगा। तो इस तरह के बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं कहीं से भी, घर पर भी। तो अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको और भी क्वेश्चन पूछने हैं इस बिजनेस से रिलेटेड तो आप हमसे जान सकते हैं।